और दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से अक्षय को बेहोश करने के बाद में जो इस समय रणनीति तैयार की है, इस समय रणवीर ने बहुत अच्छी रणनीति तैयार की है, क्योंकि उसकी जगह खुद ने सहरा बांध लिया है और खुद ने सहरा बांधने के बाद में जो कि खुद प्राची के सामने प्रस्तुत हो गया है। हालांकि दोस्तों इस समय अक्षय के फादर भी वहाँ पर मौजूद हैं और अक्षय के फादर ने साफ साफ बोला है कि लगता है कोई गड़बड़ जरूर हो रही है। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में वाकई में दोस्तों दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जहां आप लोग देख पाएंगे कि सभी लोग बेहद ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों प्राची को साफ साफ पता चल गया है कि ये कोई और नहीं है, बल्कि ये सीधी सीधी अगर बात की जाए तो उसकी साफ साफ देखने को पता ही चल गया है कि ये रणवीर है, क्योंकि दोस्तों प्राची को आभास हो चुका है और प्राची को आभास जब जब होता है तब तब कोई ना कोई एक ठोस वजह होती है, और ठोस वजह भी कोई और नहीं बल्कि इस समय की साफ साफ ठोस वजह देखने को अपने ही एक रूप में देखने को मिल रही है। बात की जाए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कि आलिया एक बार फिर से कोशिश करेगी कि आखिरकार रणवीर को अपने रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि दोस्तों आलिया को पता चल चुका है, क्योंकि उसने अक्षय को देख लिया है कि अगर अक्षय यहाँ पर है तो फिर अक्षय की जगह कौन है प्राची के साथ में। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय अक्षय का मानना भी बिल्कुल सही था, क्योंकि वो शादी के लिए तैयार भी था, लेकिन इस समय कहानी एक और भी नए मोड पर पहुँच चुकी है। बात की जाए इस समय कहानी की तो जहाँ पर एक बार फिर से रिया कोशिश करेगी और आलिया कि यहाँ से रणवीर को भी बेहोश कर दिया जाए ताकि प्राची की शादी रणवीर के साथ ना हो पाए, क्योंकि दोस्तों यही मेन मोटिव रहा है आलिया और रिया का सीधा सीधा तरीका से। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसी लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस एंड लव यू ऑल ऑफ यू।